Hello, everyone, welcome back to my channel English Field. As you all know, here we prepare for TGT, PGT, grade English Literature. So, this video is going to be very helpful for you on your request. We have prepared सिंगल वीडियो ऑफ ऑल द बायोग्राफीज मतलब ये है कि काफी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम सारे जितने भी राइटर्स हैं उनकी जो बायोग्राफी है बहुत इंपॉर्टेंट होती है बट उनको एक पार्ट में एक सिंगल वीडियो में आप दें जैसे कि हम अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पाए तो एग्जाम ओरिएटेड क्वेश्चन के साथ अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन मैंने उसको एक ही वीडियो में कैलकुलेट किया है पूरे को और इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी तो उसको पहले आप अच्छे से समझें एक हेल्दी डिस्कशन भी होगा और एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी कोर पॉइंट है वो भी इसमें सारे इंक्लूड है अर्ली लाइफ या फिर आप एजुकेशनल लाइफ से कह लें या उनके मैरिड लाइफ से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स ऑफ फिगर्स हैं एवरीथिंग आई हैव इंक्लूडेड बट यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इसलिए क्योंकि सेल्फ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा काम मैंने आपके लिए भी छोड़ा है आप इसको सुनिए अच्छे से एक बार नहीं तीन बार चार बार सुनिए और उसके बाद में कोई गुंजाइश नहीं रह जानी चाहिए कि अब आपकी बायोग्राफी से कहीं से कुछ भी छूट रहा है और उसको प्लीज आप नोट डाउन करिए क्योंकि इस तरीके से काफी इफेक्टिव आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और बार बार में कभी आपके माइंड में नहीं आएगा कि ये चीजें हमसे छूट गई राइट तो ये सेल्फ वर्क तो आपको करना बहुत जरूरी है कोई कितना भी आपको बना करके करके दे दे करके दे दे कितने भी नोट्स वगैरह प्रिपेयर लेकिन जब तक आप उसमें खुद का एफर्ट नहीं लगाते हैं यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन वो चीज एग्जाम टाइम पे आपको धोखा दे सकती है इसलिए मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि आप सेल्फ वर्क भी करिए सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विद द विदयोग्राफी ऑफ जॉन गैल्सिंग तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्ट से जो कि गैल्सवदी के हैं बर्थ अगर हम देखें कब उनका जन्म हुआ था तो फोर्टीन अगस्त 1867 एट किंगस्टन हिल सरे इन इंग्लैंड ठीक है किंगस्टन हिल सरे इससे भी क्वेश्चन आता और इंग्लैंड में हुआ था डेट आपको याद रखनी है फोर्टीन अगस्त एटीन अब हम उनकी डेथ की बात करें तो ही डाइट इन थर्टी फर्स्ट जनवरी नाइनटीन थर्टी वन ऐट द एज ऑफ सिक्सटी फाइव पैंसठ साल की उम्र में उनकी डेथ हुई थी एट ग्रोव लॉज इन नॉर्थ लंडन जो कि इंग्लैंड में है फ्रॉम अ ब्रेन ट्यूमर कैसे हुई थी डिजीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है तो इनकी डेथ ब्रेन ट्यूमर से हुई थी ठीक है थर्टी फर्स्ट जनवरी नाइनटीन थर्टी वन में एट द एज ऑफ सिक्सटी फाइव तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं एज से रिगार्डिंग आ जाता है और उसकी डेट पूछ ली जाती है नाउ समथिंग अबाउट हिज फादर हिज फादर नेम वॉन जॉन वोदी ठीक है अटर्नी लॉयल प्रैक्टिसिंग इन लंडन वो अटर्नी लॉयर थे और लंडन में वो प्रैक्टिस कर रहे थे ही वॉज अ वेल्दी सॉलिसिटर एंड प्रॉपर्टी ओनर काफ़ी वेल्दी थे प्रॉस्पेरस थे ही डाइड इन नाइनटीन हंड्रेड फोर और उनकी डेथ कब हुई उन्नीस सौ चार में मदर नेम वॉज ब्लॉन्चे बैली उनकी मदर का नेम जो था वो था बेली ठीक है तो ये कुछ थे उनके फादर मदर और कब उनकी बर्थ हुई कब उनकी डेथ हुई और उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स अब हम बात करेंगे उनकी अर्ली लाइफ के बारे में और उनकी एजुकेशन के बारे में सो इन हिज अर्ली लाइफ हिज एजुकेशन एट बॉर्न इन एटीन ठीक है बॉर्न में उनकी एजुकेशन uh, स्टार्ट हुई 1876 में एडुकेशन की अगर बात करें आगे हम ही ज्वाइन द हरो पब्लिक स्कूल इन एटीन एटी वन एटीन एटी वन में उन्होंने हेरो पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया देर ही डिड वेल इन हिस्स स्टडीज़ और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया अपनी स्टडीज में ही वॉज एन एथलीट एंड रनर ठीक गैल चौधरी का एक अच्छा मीन्स ही वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मर हर चीज में उन्होंने अच्छी अचीवमेंट अच्छी ली एक एथलीट और एक रनर भी थे ही वॉज कैप्टन ऑफ अ स्कूल फुटबॉल टीम द हेड ऑफ हाउस जो हाउस होते हैं लाइक फैंथम हाउस एंथनी हाउस या फिर कलर वाइज भी कुछ हाउस होते हैं आप सभी को पता होगा तो वो अपने हाउस के कैप्टन भी थे स्कूल फुटबॉल टीम के हेड थे ठीक है ही जॉइंट कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1886, 1886 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की एंड ऑनर डिग्री उन्होंने ली वहीं से 1889 में एंड टू कैन ऑनर डिग्री इन 1889. ही वाज कॉल्ड टू द बार इन 1890. ठीक है लिंक इल एक लिंकल्स uh, इन एक uh, बार थी वहाँ पे 1890 में उनको बुलाया गया था ही वेंट ऑन अराउंड द वर्ल्ड डूरिंग एटीन नाइनटी वन टू नाइनटी थ्री ठीक है ये एक वर्ल्ड टूर भी करने निकले थे एटीन नाइन्टी वन टू नाइन्टी थ्री में ऑन हिज वे होम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन द सेलिंग शिफ एरॉन्स तो जिस आ, शिप से वो निकले थे उस शिप का नाम था आरॉन्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही फॉर्म्ड द फ्रेंड ऑफ द ग्रेट पॉलिश सेलर नोवलिस्ट जोसेफ कोनार्ड और जोसेफ कोनार्ड एक ग्रेट पॉलिस सेलर थे और नॉवलिस्ट भी थे उन्होंने उनको वहाँ पे उस अपना फ्रेंड बनाया ड्यूरिंग दैट ट्यूर इन 1895 ही बिगन एन अफेयर विथ एडा नि तो अब जो पार्ट आएगा इसके बाद में ये है उनकी मैरिड राइफ से रिलेटेड कौन कौन से उनके अफेयर्स रहे कितने उनके चिल्ड्रन थे ऑल अबाउट दैट तो अब यहाँ पे अगर हम उनकी मैरिड लाइफ के बारे में बात करें 1895 में उनका अफेयर था एडा निमिस पेयरसन कोपर वाइफ ऑफ इस कज़न मेजर आर्थर गैल्सवर्दी ये जो एडानेमिसिस थी, वो उनके कज़न मेजर आर्थर गैल्सवर्दी की वाइफ थी उन्हीं से गैल्सवर्दी का अफेयर चला ठीक है टेन ईयर्स लेटर आफ्टर हर डाइवोर्स दे मारिड ट्वेंटी थर्थ सेप्टेम्बर नाइन्टीन हंड्रेड फाइव में उन्होंने मैरिज uh, की आफ्टर द डेथ ऑफ सीनियर गर्ल्स नाइन्टीन हंड्रेड फोर जब उनकी सीनियर गर्ल्स सऊदी की डेथ हो गई उसके बाद में इन्होंने दस साल बाद शादी कर ली ही विज्ञान इज़ करियर एज अ राइटर इन एटीन नाइन्टी फाइव ठीक है अब उन्होंने एज अ राइटर कब अपना करियर स्टार्ट किया तो एटीन नाइन्टी फाइव में उन्होंने स्टार्ट किया और इस करियर को स्टार्ट करने में या फिर जो सक्सेस उनको मिली उसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है एडा निमेसिस को ठीक है तो ये था कुछ एक पार्ट उनकी लाइफ से रिलेटेड और जब उन्होंने शादी की अपने ही कजन की वाइफ से लिटरेरी करियर सारे राइटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें से क्वेश्चनस भी हमेशा आते हैं सो so प्लीज़ अब इस लिट्रेरी करियर को भी ध्यान से देखिएगा और बाकी के और भी जो तीन राइटर्स हैं उनका हम कंप्लीट करेंगे तो उससे भी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा अब हम लिटरेरी करियर की बात करें तो इन्होंने अपना लिटरेरी करियर स्टार्ट किया एज अ नॉवलिस्ट ठीक है 1895 में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं और डेट आपका ऑप्शन में मिल जाएगी द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज इन लिटिन फ्राम द फोर विंट्स फ्राम द फोर विंड्स एक शॉर्ट स्टोरी थी फर्स्ट वॉल्यूम था ठीक है पब्लिश इन 1897 तो ये एटीन में पब्लिश हुई थी फ्रॉम द फोर विंड्स और ये जॉन सन जॉन के अंडर पब्लिश हुई थी स्यूडोनियम जॉन सन जॉन के अंडर पब्लिश हुई थी दिस वर्क वॉर डेडिकेटेड टू हिज वाइफ अगर पूछा जाता है कि तो अगर हम गैल सौदी के लिटरेरी करियर के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने एज अ नॉवलिस्ट अपना लिटरेरी करियर स्टार्ट किया 1895 में स्टार्ट किया था और ये एग्ज़ाम में डेट्स वगैरह पूछी भी जाती हैं ठीक है तो आपको पता होना चाहिए गैल सौदी ने कब स्टार्ट किया जॉन मिल्टन ने कब स्टार्ट किया एज अ नॉवलिस्ट किया या फिर किस तरीके से किया तो आपको मालूम होना चाहिए द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ ए शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम द फोर विंड्स पब्लिस्ड इन एटीन नाइन्टी सेवन जो उनका फर्स्ट वॉल्यूम था शॉर्ट स्टोरी का उसका नाम था फ्रॉम द फोर विंड्स अंडर स्यूडोनम जॉनसन जॉन के अंडर ये पब्लिश हुई थी और डेट है इसकी 1897 फ्रॉम द फोर विंड्स दिस वर्क वाज डेडिकेटेड टू हिज वाइफ और ये जो वर्क था उनकी वाइफ को डेडिकेटेड था ये क्वेश्चन भी आ सकता है बट इट वाज अ फेलियर और गैलस्वर्थी ने इस फेलियर को क्या नाम दिया माय फर्स्ट sin ठीक है क्योंकि एक फेल्योर था तो इस फेल्योर को उन्होंने बोला इट्स माय फर्स्ट सिन और वो बोलते हैं अबाउट इट ही टॉक्स बर्न इट एंड एंड यूलाइज मी मीन्स बर्न इट एंड यू विल ऑब्लाइज मी ये आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है कि उन्होंने उनका जो वर्क था फ्रॉम द फोर विंड्स जो फेल्योर था उसके बारे में उन्होंने क्या कहा या फिर क्या लाइन उससे एसोसिएटेड है ठीक है नाउ नेक्स्ट इज सम ऑफ इज अर्ली नावल वर पब्लिश द अंडर द सूडियोनिम जॉनसन जॉन टाइटल ठीक है कुछ जो उनकी नॉवल्स थी जो पहले की नॉवल्स थी वो सीडियोनिम जॉनसन जॉन के अंडर पब्लिश हुई इन एटीन नाइनटी एट हिस्स फर्स्ट नॉवल जोस्लिन ठीक है जोस्लिन जो उनकी फर्स्ट नॉवल है वॉज पब्लिश अंडर द नेम ऑफ जॉनसन जॉन और ये जो उनकी फर्स्ट नॉवल है ये भी अंडर द नेम ऑफ जॉनसन जॉन ही पब्लिश हुई थी अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन 1904 ही वेट गुड बाई टू हिज पेन नेम एंड स्टार्टेड अंडर हिज रियल नेम द आइलैंड फारसीज पहले तो उनके जो वर्क थे वो जॉनसन जॉन John के अंडर ही पब्लिश होते थे लेकिन बाद में उन्होंने गुड बाय बोल दिया इस पेन नेम को और उन्होंने नया नाम निकाला द आइलैंड फारसीज वॉज इज वर्क दैट अपियर हिज ओन नेम ठीक है जो उनके खुद के नाम से फिर पब्लिश होने लगे आइलैंड फारसीज के अंडर इन नाइनटीन हंड्रेड सिक्स रियल सक्सेस विद फर्स्ट प्ले सिल्वर बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम एक क्वेश्चन ये बनता है इसी प्ले से उनको रियल सक्सेस मिली दूसरा क्वेश्चन ये बनता है तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ईयर कौन सा था वो वेन दिस प्ले वॉज पब्लिश सो इन नाइनटीन हंड्रेड सिक्स एंड वेन डिड ही मेट वेन डिड यू मीट हिज रियल सक्सेस ये क्वेश्चन बनता है तो उसमें आप इतेंगे और अगर प्ले के बारे में पूछा है तो फिर आप बताएंगे द सिल्वर बॉक्स राइट नाउ मू वॉन्ट टू अनदर क्वेश्चन लेटर ऑन इन द सेम इस्ट सक्सेसफुल नॉवल ठीक है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी सक्सेसफुल नॉवल बोला है मैंने प्ले नहीं बोला है आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्ले है सिल्वर बॉक्स नॉवल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 हंड्रेड सिक्स सेम ईयर में पब्लिश हुई थी ठीक है और जिसने इंट्रोड्यूस इन द वर्क ऑफ पोसाइट सागा कलेक्शन जिसमें ये इंट्रोड्यूस की गई पोसाइट सागा हो सकता है सुनने में या देखने में या पढ़ने में आपने जो अभी तक जाना है कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से उसको समझ लीजिएगा इट्स नॉट सो टफ एक बार आपको समझ में आ जाए कि क्या इंटरव्यूट है और क्या नॉवल्स है क्या प्लेज है तो अच्छे से आप उसको वो क्लियर हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ से दो या तीन नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ओके इसमें मैं फोर साइड सागा को डीपली नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस वीडियो में डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है है, तो आपको अच्छे से समझ में आ, आ जाएगा पूरा चार्ट वाइज है। है अब अगर हम उनके उनके अवार्ड्स की की बात करे, की बात अचीवमेंट तो वो ये है कि in 1921 लंडन सेक्शन ऑफ द पेन क्लब ठीक है पेन क्लब क्या है एन इंटरनेशनल बॉडी ऑफ पोएट्स प्ले राइट्स एसिस्ट एंड नॉवलिस्ट ये जो पेन क्लब है वो एक ग्रुप बोल सकते हैं कम्युनिटी है, है जिसमें पोएट्स होते हैं प्ले राइट होते हैं है और नॉवेलिस्ट होते हैं ठीक है तो उस पेन क्लब का इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था 1921 में ये आपको याद रखना है पूछ लिया जाता है नेक्स्ट ही वॉज द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन नाइनटीन ट्वेंटी में उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था डेट वॉज कन्फर्म ऑन हिम बाई कैम्ब्रिज एंड चेपफील्ड यूनिवर्सिटी इन थर्टी डेलिट का भी अवार्ड मिला था उनको लिटरेचर के लिए होता है ही वॉज अपॉइंटेड रोमस लेक्चर एट ऑक्सफोर्ड इनटीन थर्टी वन रोमन्स लेक्चर उनको अपॉइंट किया गया था ऑक्सफोर्ड में नाइनटीन थर्टी वन में राइट

उन्होंने अपने सेवन ईयर्स स्पेंड किए जो क्वेश्चन सीरीज है हमारी गैल्सपर्दी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो की सीरीज जो आती है प्रीवियस ईयर की तो अलग होती है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है लाइक ट्वेंटी एम सी क्यूज समटाइम्स फिफ्टीन एक्स एम सी क्यूज ट्वेंटी फाइव से ज़्यादा की मैंने अभी तक नहीं बनाई है क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है तो उसमें आप देखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे फिर आप देखिएगा अटेम्प्ट कर पाते हैं या फिर नहीं नाउ नेक्स्ट पॉइंट गर्ल्स वोदी बिलोंग टू द ट्वेंटी सेंचुरी ठीक है गर्ल्स वोदी मॉडर्न एज ट्वेंटी सेंचुरी से बिलोंग करते थे एंड इस ट्रेजडीज आर ऑल्सो कॉल्ड सोशल ट्रेजिडीज अभी हमने जो एम सी क्यूज का लास्ट वीडियो यहाँ पे पोस्ट किया था उसमें भी ये क्वेश्चन कवर किया गया था कि कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे और उनकी जो ट्रेजिडीज होती थी उसको और क्या बोला जाता है तो सोशल ट्रेजिडीज भी बोला जाता है गैर्ल्स वोदीज नॉवल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद इफेक्ट एंड कंफ्लिक्ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी ठीक है सेम लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी उनके जितने भी वर्ग्स थे जितनी भी उनकी नॉवेल्स थी उनमें आपको क्या देखने को मिलता था इफेक्ट एंड ऑफ क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी ये जो लोअर क्लास होती है अपर क्लास मिडिल क्लास इनमें जो डिफ्रेंशियशंस होते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था हार्श रियालिटी ऑफ सोसाइटी जो प्रॉब्लम्स होती थी सोसाइटी में कमजोर को जिस तरीके से सप्रेस किया जाता था तो उन सारी रियालिटीज़ को इन्होंने रिवील किया बहुत नज़दीक से इन्होंने उसको एनालाइज किया और इसीलिए इनको प्रॉब्लम पोइ भी कहा जाता है ठीक है तो इन सारी चीजों को इन्होंने अपने नॉवल में एक्सप्लेन किया नॉवल में उतारा तो इसीलिए इनको बोला जाता है ऑफ क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी ठीक है इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम प्लेस अभी मैंने आपको बताया चीफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम प्लेस माने जाते थे क्योंकि यही ऐसे थे जिन्होंने सारी हार्श रियालिटीज को बताया जो सोसाइटी में चल रही थी एंड इज आइडियाज ऑन ड्रामा आर टू बी फाउंड इन इज कलेक्शन ऑफ एसेज ठीक है और ये सारी चीज़ें उनके जो ऐसे का कलेक्शन था उसमें आप बहुत ही आराम से देख सकते हैं अगर हम देखें कि इन्होंने कौन सा मॉडल हमेशा फॉलो किया तो गैल्स वो फॉलोड द मॉडल ऑफ प्रॉब्लम प्लेस ऑफ़ हेरिक इप्सल इन राइटिंग हिज प्लेस अपने प्लेस को लिखने में वो हमेशा हेरिक इप्सल के जो मॉडल्स थे उनको फॉलो करते थे उनके ट्रेडिशन को फॉलो करते थे वो इफेक्ट्स अपने नॉवल्स में डालते थे प्लेस में डालते थे तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा ये क्वेश्चन आता है फिर एक पॉइंट है गैल्स बिलोंग्स टू द रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो ठीक है रियलिस्टिक ट्रेडिशन को फॉलो करते थे जोन्स एंड पिनरो के तो ये क्वेश्चन आता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे ऑलमोस्ट मैंने इसमें कवर किए हैं अब एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है उनकी लाइफ का कि ही मेड अ टूर ऑफ स्लॉटर हाउसेज इन नाइनटीन हंड्रेड ट्वेल्व इन इंग्लैंड ठीक है उन्होंने एक टूर किया था स्लॉटर हाउसेज़ का ठीक है जहाँ पे बुचर्स वगैरह रहते हैं आपको पता होगा स्लॉटिंग क्या होती है तो 1912 में उन्होंने इंग्लैंड का एक दौरा किया था वहां पे ही अ रिपोर्ट ऑन द इनह्यूमन मेथड्स ऑफ स्लॉटिंग एनिमल्स एनिमल्स को किस तरीके से स्लॉट किया जाता है इनह्यूमन तो हो ही गया क्योंकि स्लॉटिंग है तो इनह्यूमन है ही आप बेदर्दी से अगर किसी को कट कर रहे हैं ठीक है तो ये चीज उन्होंने देखी और इन्होंने बोली इन 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 एंड हिज वाइफ अ हॉस्पिटल फ्रांस फॉर सम मंथ्स और 1916 में गर्ल्स अपनी वाइफ के साथ एक हॉस्पिटल में फ्रांस में कुछ टाइम तक इन्होंने काम भी किया ठीक है और अगर आता है कि कब इन्होंने टूर किया स्लॉटिंग ऑफ एनिमल्स पे इन्होंने कब कुछ लिखा तो इसका जो जवाब है वो आप देंगे 1912। For his contribution to literature टू लिटरेचर एंड services, पब्लिक was ही knighthood in 1918। इन ठीक है 1918 में उन्हें नाइटहुड भी ऑफर किया गया था ये अवार्ड होता है लिटरेचर का बट ही रिफ्यूज इट लेकिन उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया क्यों क्योंकि उन्हें लगता था लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड कि लिटरेचर तो खुद का ही रिवॉर्ड होता है ठीक है तो ये नाइटहुड अवार्ड अवॉर्ड वाला भी काफी इम्पोर्टेंट है और स्लॉटिंग एनिमल्स जब उन्होंने टूर किया था इंग्लैंड में उस पर उन्होंने क्या लिखा क्या बताया तो और उसका ईयर तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट थे उनके लाइफ के इन सबको आपको ध्यान में रखना है और ये थी उनकी टोटल बायोग्राफी उसके बाद भी अगर कुछ पॉइंट्स बच जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं इफ़ यू हैव एनी ऑफ द कन्फ्यूजन देन ऑल्सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सो फ्रेंड्स दिस वॉज द वीडियो ऑफ फुल बायोग्राफी ऑफ जॉन गैल्स वोदी इसी तरीके से आपको बाकी राइटर्स के भी वीडियो मिल जाएंगे इन अ सिंगल वीडियो बाकी थोड़ा सा काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया है उसको ज़रूर आप नोट डाउन करके और अच्छी प्रैक्टिस करके इसको आप सॉलिड प्रिपरेशन में डाल सकते हैं क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सेल्फ वर्क जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा और आपको बार बार बहुत ज़्यादा रिविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि कोई भी नया पोस्ट अगर यहाँ से होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा अपने फ्रेंड्स कम्युनिटी में शेयर कर लीजिएगा अगर आपको लगता है शेयर करना चाहिए नॉलेज इज नेम ऑफ शेयरिंग तो आप शेयर करोगे तो दूसरों की भी हेल्प होगी ऑलवेज हेल्प अदर्स एंड स्टे टून फॉर अनदर वीडियो इफ यू हैव एनी ऑफ द कन्फ्यूजन क्वेश्चन और यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल लास्ट